देखिए, करण निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए, संख्यात्मक रूप कहने का मतलब यह है ना, एक्चुअल में देखिए क्षेत्रफल का तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, और परिमाप में तो आपका सेंटीमीटर या मीटर होता है, तो दोनों संख्यात्मक बराबर हो सकते हैं क्योंकि उसकी इकाई तो दोनों के अलग अलग होती है, मात्रक तो दोनों के अलग होते हैं, इसलिए यहाँ कह रहा है संख्यात्मक बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखिए ना, यहीं से पाई काट दीजिए और एक त्रिज्या से एक त्रिज्या गया, तो आर बराबर क्या गया, 2 मात्रक। आर बराबर 2 मात्रक आंसर हो गया आपका, समझ गया ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए अगले एक्सरसाइज में चलने के लिए, यानी कि 12.2 में चलने के लिए कुछ चीजें आपको यहाँ से समझनी होंगी। मान लीजिए आपका एक वृत्त दिखा रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन में आगे चल के आपका एक वृत्त दिखा रहा हो और वृत्त के अंदर क्या दिया हो, एक त्रिभुज दे दिया हो, एक वृत्त के अंदर इस तरह से कोई त्रिभुज दे दिया हो, ठीक है, और इसमें पूछ दे कि ये जो बचा हुआ भाग जो हो रहा है इसका क्षेत्रफल, ये जो बचा हुआ भाग हो रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, या ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड बन रहा है, तो ये प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एक का भी निकाल के 3 से गुना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या फिर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना होगा, समझ गए। फिर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एक स्क्वायर दे दिया हो, एक वर्ग दे दिया हो, ठीक है, और इसमें एक वृत्त दिया हो, ठीक है, और कह दे कि ये जो शेष भाग जो बच जा रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको सिंपल सी बात है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी आकृतियां आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए एक आपका और वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है, यानी कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, और आपसे पूछ दे इसमें, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से हम लोग केंद्र से एक त्रिज्या खींच रहे हैं, यहाँ से भी एक त्रिज्या खींच रहे हैं, ठीक है, और आपसे पूछ दे कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, इस भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए ये जो भाग बन रहा है इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, यहाँ पे सी और डी। देखिए ये ओ ए बी, ये बड़े वाले वृत्त के लिए क्या है आपका, तो ये आपका त्रिज्या खंड है, तो इस वाले त्रिज्या खंड में से इस छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ रहे ना। इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, यानी कि ओ ए बी के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड ओ ए बी के क्षेत्रफल में से ओ सी डी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछने वाला अगले एक्सरसाइज में, तो इन सबको बनाने के लिए आपको जितने भी फॉर्मूले समझाए हैं फर्स्ट वीडियो में, है ना, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जितने भी आपको फॉर्मूले समझाए वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे और भी फिगर देख सकते हैं, मान लीजिए आपका ये वृत्त हो गया और वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, है ना, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, अब पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो छायांकित भाग बच रहा है इसका, ठीक है, ये वाला, तो इसका निकालेंगे क्या होगा, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दें कि वृत्त की ये जो समकोण बनाने वाली भुजाएं ही दी गई हैं, ठीक है, ये दिया गया हो और ये दिया गया हो, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित भाग है उसका। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये तो आपका व्यास हो जाएगा वृत्त का, क्योंकि वृत्त का व्यास ही वृत्त पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है, यानी कि ये व्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज का कर्ण निकाल लीजिएगा, तो त्रिभुज का कर्ण निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या निकल जाएगी, और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो वृत्त के क्षेत्रफल में से आराम से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात घटा सकते हैं। तो यहाँ कुछ संबंधों के बारे में भी समझना होगा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय था आपका, फिर उसके बाद
जो आप वित्त में बहुत सारे चीजें कंसेप्ट पढ़े उनको भी ध्यान रखना होगा, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो नाइन्थ क्लास में जो आप वित्त पढ़े उससे भी रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी या जितने भी फॉर्मूले थे, थ्योरम थे, उन सब का भी प्रयोग होगा आगे चल के। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, और इसमें जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वो भी याद करने होंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। और इसमें से एकदम फाइनल है कि क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अभी आप 12.1 पढ़े, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये लास्ट वाला जो था 5, इन तीनों में से कोई एक फिक्स ही रहता है। समझिए कि हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन, तो इस सब चीज को ध्यान में रखें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। कॉल कभी भी नहीं करेंगे, SMS के जरिए चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।